तुम तो बहुत टैलेंटेड हो यार। थैंक्स सर मेरी तारीफ करने के लिए। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। टेक केयर। एक बार नहीं किया तो दोबारा नहीं कर पाऊंगा क्या? 100 साल जिएगा तू। बोल बाबा, प्रोग्राम कैसा लगा? सॉलिड बाबा, ऐसे ही हर महीने में 4 बना कर देगा ना तो 4 जन्म तक तेरे नाम से चैनल में आग लगा दूंगा, या तो चैनल ही खरीद लूंगा बाबा। हाँ हाँ, खरीद लेना खरीद लेना। और हाँ, मेरे फ्रेंड के पास एक अच्छी स्टोरी है। प्रोड्यूसर को सेट करके डायरेक्टर बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते? एक बार मैंने जो काम हाथ में लिया तो उसे मैं करके ही छोड़ता हूँ। कल का, परसों का, उसके एक दिन पहले का सबका हिसाब रखा है मैंने, वापस लौटा दूंगा वरना बदनाम हो जाऊंगा यार। हाँ अभी तो तेरा बहुत नाम है ना। ए, तेरे लिए एक मस्त प्रोड्यूसर को सेट किया है मैंने, मिलने के बाद बताऊंगा तुझे। The abdominal muscles have different important functions. They assist the breathing process and necessary muscles of the respiration. Moreover, these muscles serve as protection for an inner organ. Furthermore, together with the back muscle, they provide posture. क्या है यार, स्कूल के छोटे बच्चों की तरह याद कर रही है। बचपन से ही ऐसी आदत है यार, क्या करूँ मैं। अच्छा, प्यार करना आदत है समझकर हर किसी से तू प्यार कर बैठेगी क्या? ऐसी बात नहीं है यार, अगर एग्जाम्स में फेल हो गई ना तो मेरी अम्मी अब्बू मेरा निकाह पक्का करवा देंगे। पास हो जाओगी तो सम्मान करेंगे क्या? नहीं यार, जमीन बेचकर सिंगापुर भेज देंगे, मस्त पैसे कमा कर मलेशिया में सेटल हो जाऊंगी। ये बकवास बंद कर, ऑलरेडी हमारे सीएम साहब अमरावती को सिंगापुर जैसा, मंगलागिरी को मलेशिया जैसा बनाने का प्लान किए हैं। तो अभी अपनी जमीन बेचने की बात भूल जा, क्योंकि आगे रियल एस्टेट में बहुत पैसा मिलेगा। अरे टेंट क्यों कर रहे हो यार? पागल है, पैसे की बात सुनते ही टेंट हो जाती है। तुम्हें कितनी बार कहा है 12 बजे से पहले लाइट ऑफ कर देना, और आधी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो भूतों की तरह? फिर कभी ऐसे देखा ना तुम्हें, जाओ जाके सो जाओ। क्या हुआ यार, पागलों की तरह हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं यार, एक भूत दूसरे भूत के बारे में बोल रही है, यही सुनकर हंसी आ गई। क्या हुआ यार, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इतना पसीना क्यों आ रहा है? भूतों से डर लगता मतलब? है मतलब कहाँ ना डर लगता है। अब बताती हूँ अनुषा, तुम्हें पता है क्या, हमारे हॉस्टल का एक टेरिफिक फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक? हाँ है। हमारा ये हॉस्टल राजा हरिश्चंद्र प्रसाद के एक जमींदार का था, उनकी एक इकलौती बेटी थी लतांबिका। लतांबिका के कहने के पहले ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते थे हरिश्चंद्र प्रसाद। ललितांबिका पहली बार अपनी इच्छा को जताते हुए अपने प्यार तोता रामचंद्र को मांगती है। इससे हरिश्चंद्र प्रसाद गुस्से से बलराम बन गए। ताकतवर होने के नाते उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और प्यार करने वाली बेटी को अपने प्यार से दूर कर दिया। इकलौती बेटी अपने प्यार के दूर होने के गम में अपनी जायदाद के कुछ हिस्से को गरीबों में बांटकर इस बंगले को और जायदाद को ट्रस्ट के हवाले करके वो गुजर गई। उसके बाद उस ट्रस्ट ने इस बंगले को मैरिट स्टूडेंट के लिए फ्री फूड बेड देने का सोचा है, इसीलिए हम सब यहाँ हैं। कितनी बेचारी थी ना ललिता, बेकार में ही मर गई वो। छी, ये बड़े भी ना छोटों के प्यार की बिल्कुल कद्र नहीं करते। असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। प्यार ना मिलने के गम में अपने पिता से नाराज होकर आत्महत्या करने वाली ललिता प्रेत आत्मा बनकर अभी भी इस बंगले में भूत बनकर घूमती है, जानते हो क्या? What? प्रेत आत्मा? हाँ, हाँ, अभी भी एक पीले रंग की साड़ी पहनने वाली एक 20 साल की लड़की यहाँ आसपास घूमती हुई कुछ लोगों को दिखाई देती है। क्या यार, ना दिखने वाले भूतों से इतना डर लग रहा है और तू घूमने वाले भूतों के बारे में बताकर और ज्यादा मत डरा। डराना ही होता तो उसने यहीं पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, बताती ना। हाँ? सब पागल है, बोलते ही उसको देख तो लिया, क्या बात है। Thank you.
ये भी ना, डर लगा तो बस सारा पानी पी जाती है। ओहो, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। अचानक ठंडी क्यों लग रही है? इन प्रेस वालों को इन्फॉर्मेशन कौन देता है? हमसे पहले पहुंच जाते हैं सर, वो आसपास के लोग ही होते हैं। ठीक है, क्या बात है बताओ। सर 22 साल की होगी सर, शरीर पर कोई भी चोट नहीं है सर, वैसे तो सुसाइड लगता है सर, लेकिन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है सर। तो फिर सुसाइड नोट मिला? नो सर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी ऐसा नहीं मिला सर। लड़की का नाम क्या है? यहाँ पर सब उसे रूबीना कह रहे हैं सर, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है सर। सोरिया सर, लड़की का नाम क्या बताया था? रूबीना बेगम है सर। लेकिन इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आईडी कार्ड, बुक्स और सब चेक किया सर, सब पर रूबीना बेगम लिखा है सर। ओके, बॉडी को नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज। ओके सर। अगर इसका कोई रिश्तेदार आए तो उसे मेरे पास भेजो। ओके सर। लड़की के मोबाइल कॉल की लिस्ट निकालकर लेट नाइट कॉल्स और सारे नंबर्स की इंक्वायरी करो। ठीक है सर। वार्डन कौन है यहाँ की? सर मैं हूँ सर। तुम्हारा नाम? डायना सर। तुम्हारे हॉस्टल में एक लड़की सुसाइड करने की हालत में आ गई, अब तक तुम क्या कर रही थी? सर मैं 2 दिन से गांव में थी सर, आज सुबह जब यहाँ आई तो ये सब हो चुका था। हे, स्टॉप स्टॉप। मेरी मंजिल आ चुकी है, थैंक यू सो मच। नंदनी, तुम हॉस्टल में रहती हो क्या? क्यों? आई मीन इट्स अ हॉन्टेड प्लेस यू नो। या मैंने भी सुना है वो सुसाइड, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ब्ला 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 ब्ला। आई डोंट बिलीव ऑल दीज स्टूपिड थिंग राजा। इनफैक्ट मैं भी इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता। फिर भी वो सब मेरे आने से पहले हुआ था, इतने दिनों से आई हैवंट फील एनीथिंग। फिर भी तुम्हें भी क्लैरिटी तो होगी ना? है। फिर तो ठीक है, बहुत अच्छा, कूल। ओह, काफी देर हो चुकी है, और भी देर हुई ना तो डायना चिल्लाएगी। आई हैव टू गो, बाय। हे, वो सब तो ठीक है, वो वो मतलब
एक्चुअली वो क्या है कि हम नए नए लवर्स हैं ना, क्लाइमेट भी बहुत ही रोमांटिक है, तो एक पप्पी तो बनती है ना। मिस्टर राजा, वैसे भी काफी देर हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो, ड्राइव सेफ, बाय। नंदनी, नंदनी, हाय, कैच यू। कल तक ये पूरा लेसन खत्म करना पड़ेगा। अनुषा, क्या हुआ? कौन है? कौन कोई है? क्या हुआ? क्या हुआ? देखो क्या कौन है? अरे क्या बात है? कौन है वहाँ पे? कोई है क्या? मैंने देखा। अरविंद हियर, मैं सूर्या बोल रहा हूँ सर। बोलो सूर्या। रात को रुबीना केस के सिलसिले में हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल में इन्वेस्टिगेशन करने गया था सर। उसका कोई एविडेंस मिला क्या? एविडेंस तो कुछ नहीं मिला सर, लेकिन नेक्स्ट लड़की कौन मरेगी वो पता चला सर। एक और लड़की, कौन है वो? वो सब फोन पर बताना सही नहीं है सर। ओके, तुम्हें किसी ने देखा नहीं ना? नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है सर। मुझे आपसे अर्जेंटली मिलना है। कहाँ हो तुम? मैं हॉस्टल के पीछे हूँ सर, जल्दी आ जाइए सर प्लीज। रखता हूँ सर। कहाँ चला गया ये? मैं लेट हुआ तो कहीं घर तो नहीं चला गया? क्या हुआ? और क्या होगा साहब जी, सूर्या ने खुद को फांसी लगा ली। ये कैसे हुआ? पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ठीक एक घंटा पहले आए और कहा कि कोई पूछे तो बोलना मैं नहीं हूँ। बेडरूम में जाके दरवाजा बंद कर लिया उन्होंने। बहुत देर हो गई तो मैंने सोचा अंदर जाके देखती हूँ क्या कर रहे हैं। अब देखिए इनकी क्या हालत हो गई है, देखिए सर। सुनिए जी, सुनिए, मत रो, चुप हो जाओ। सॉरी मैडम, ये जब घर पर आए थे तब कोई फाइल या पेपर लेकर आए थे क्या? कुछ नहीं लाए थे सर। बोलो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना सर, पेपर्स पे साइन कर दीजिए सर। साइन मैं नहीं करूंगा, इस एरिया के एसआई करेंगे। गब्बर सिंह ये
गया जो डर गया मर गया गंपर सिंह। आ रही हूँ रुको ना। कमिंग। इसकी तो आ रही हूँ बाबा। दरवाजा किसने खटखटाया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। श्वेता, नंदिनी, लक्ष्मी, स्वप्ना, श्वेता, नंदिनी, क्या यार अभी दरवाजा खटखटाया और मैं बोल रही हूँ तो कुछ जवाब नहीं दे रही हो। मैं डर गई थी पता है। मैं तुमसे बोल रही हूँ यार। नंदिनी, 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 क्या हुआ अनु? नंदिनी के बच्चे, मैं कब से बुला रही थी? कितना डर गई थी पता है? बुलाया था? नहीं, चिल्लाई थी। सॉरी सॉरी अनु, मैंने हेडफोन्स लगाया था ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। बहुत अच्छा, वैसे भी हेडफोन लगा के कोई पढ़ाई करता है क्या? अरे अनु, मैं हेडफोन्स लगाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। ओहो, तो तुम्हारे गांव में सब ऐसे ही पढ़ते हैं? लगाओ। ये क्या, लिसन ऐसे भी सुनते हैं क्या? इन्हें ऑडियो बुक्स कहते हैं। इन्हें सुनते सुनते मैं अपने बुक्स के मैटर को रेफर करती हूँ। सच कहूँ तो मैं सोते वक्त भी इन्हें सुनते सुनते ही सोती हूँ। पता है पता है, रोज तुम सोते वक्त हेडफोन अपने कान में लगा के सोती थी ना, तो मुझे लगता था कि तुम म्यूजिक लवर हो। तुम तो किताबी कीड़ा हो। ऐसा करने से लेसन्स काफी जल्दी हमारे ब्रेन में फीड हो जाते हैं। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे हेडफोन्स और स्टडी की भी। तेरा तो पता नहीं लेकिन मेरा तो आज हो जाता। जस्ट अ मिनट। राजा, ओहो, चैटिंग भी स्टार्ट हो गई बेबी। तू शर्मा रही है मतलब कुछ तो? हे, ऐसा कुछ भी नहीं यार, जस्ट ऐसी कैजुअली चैट करती हूँ। अच्छा कैजुअल। बेबी नंदिनी, फिल्में हम भी देखते हैं, तुम्हारे फेस का कलर देख के ही बता सकती हूँ। तुम ऑलरेडी अपने हीरो से कनेक्ट हो चुकी हो। हाँ, क्या बात है, क्या टाइमिंग है। सुन, अब लेट मत कर, उससे बात कर यार, कल उससे मिल के अपनी सारी फीलिंग्स उसे बता दे। तू समझ रही है ना? मुझे तो नींद आ रही है यार। गुड नाइट। ए, तू लगी रहे। मैंने देखा कि नंदिनी डाइनिंग टेबल पर अपने बाल खोलकर बिल्कुल रुबीना की तरह अपने कान बंद करके जोर जोर से पढ़ रही थी। मुझे लगता है रुबीना की आत्मा ने नंदिनी को काबू में कर लिया है। तुम नंदिनी को यहाँ से 3 दिन के अंदर ही ले जाओ। तुम मानो या ना मानो पर यह सच है, पहले रुबीना के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसके बाद ही वो 3 दिन के अंदर सुसाइड करके मर गई थी। पता नहीं क्यों नंदिनी की हालत देख के लगता है कहीं फिर से वही सब कुछ ना हो जाए। मुझे क्या हो गया पता नहीं राजा, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। रुबीना मुझे दिखाई देती है, कहती कौन
कोई मेरा विश्वास नहीं करता। मुझे क्या हो गया है? सुनगिरी बोलना यार। राजा हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल पर हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं। यार रमेश, यार सुरेश, ये हॉस्टल जैसा लग रहा है क्या? ये तो फार्म हाउस लग रहा है। वैसे सारे भूत अच्छे खासे घर में क्यों डेरा डाल देते हैं यार? फैसिलिटी मिलती होगी ना? रमेश, सुरेश, अरे बाप रे शुरू हो गया। चल अंदर। ये लोग भी ना पागल हो गए हैं सब। हम यह डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं, यह अंडरकवर ऑपरेशन के लिए आए हैं। यह सब क्या है यार? मेरी बात सुन, यह भी एक तरह का अंडरकवर ऑपरेशन है। हम यहां पर दो चीजों के लिए आए हैं। नंबर वन, असल में इस हॉस्टल में क्या हो रहा है वो जानना है। नंबर टू, नंदिनी की जान बचानी है। इतने सारे लोगों में सिर्फ नंदिनी के ही साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो क्या करने वाला है? बताता हूं। ये है इंफ्रारेड कैमरास। ये घने अंधेरे में भी हाई रेजोल्यूशन के वीडियोस कैप्चर करते हैं। इसे एक नंदिनी के कमरे में और एक डाइनिंग टेबल में फिक्स करना है। फिर रात में जो भी हॉस्टल में होता है हर एक पल की रिकॉर्डिंग होगी। ये है आईपी कैम्स विद मोशन सेंसर्स। ये यहाँ पर एक चीटी की भी फोटो खींचकर हमारे सेट किए हुए मोबाइल या लैपटॉप पर भेज दिया करेगा। सो हमसे एक भी मूवमेंट मिस होने का चांस ही नहीं है। ये है थर्मल डिटेक्टर। इसे भी सारे कमरे में फिक्स करेंगे। आमतौर पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने वाले प्लेसेस में टेम्परेचर बहुत कम होता है। सो अचानक कहीं भी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो ये हमें इन्फॉर्म करेगा। इतना ही नहीं, उस रूम में कितने लोग हैं इसका भी पता लगाया जा सकता है, वो चाहे दिख रहे हो या ना दिख रहे हो। एंड फाइनली दिस इज EMF फाइंडर। EMF मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंसर। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जगह पर सच में आत्माएं हैं या नहीं ये जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस प्लेस पे कोई इविल स्प्रिट होगी और वो हमारे पास आ रही होगी तो ये फ्लक्चुएट करने लगेगा। फिल्मों में आत्माओं को दिखाने के लिए इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच में आत्मा है या नहीं है पता लगाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है क्या? तुम मामूली आदमी नहीं है यार। लेट्स बिगिन ऑपरेशन रूबीना। गेट रेडी। यस। नंदिनी,
रमेश तुम उस तरफ जाकर लेक्चरर के बारे में पता लगाओ। सुरेश हा? तुम स्टूडेंट से इंक्वायरी करो। हाँ जा तू जा। हेलो। हेलो गीता, कहाँ हो? मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में हूँ, तुम कहाँ हो? मैं अभी कॉलेज में आया हूँ। तुम जरा नंदिनी का लॉकर दिखा सकती हो क्या? ठीक है, एडमिन के पास जाओ, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है। यहाँ पर एडमिन ब्लॉक कहाँ पर है? इस तरफ। ओके। ओहो हे गिरी, तुम एडमिन ब्लॉक में जाके नंदिनी के डिटेल्स के बारे में पता लगाओ। हाँ राजा। हाय। नंदिनी के लॉकर का रूम इस तरफ है। इस तरफ चलो चलते हैं। यही है नंदिनी का लॉकर। ओके। क्या बिल्डिंग है यार। चले क्या? क्यों, अंधेरे में? ऐसे भूत बंगले ना रात में ही अच्छे दिखते हैं। बापजी को मत बताना यार, वरना इस घर पर भी फिल्म बना देगा वो। उससे पहले हम ही अंदर जाकर भूतों के ऊपर फिल्म बना देते हैं। चुप रहे यार, पूरी शूटिंग रात को करेंगे, भूतों का मेला होगा। अरे बाप रे, मेरी स्टोरी से लोग डर रहे हैं। बस करो यार, चलो अंदर। करते रहते हैं। यहाँ कोई है भी या नहीं? हेलो। हे तुम लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करो। लड़कियों, गर्ल्स, भूत समझा क्या? डर गए ना? वैसे दिखने में मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। कौन है? बाप रे, बाबा, रमेश, सुरेश, बाबा कहाँ है भाई तू? रमेश, मेरे पीछे से भूत पास हुआ यार, यही कहीं है वो, मैंने उसे देखा यार। ए, बकवास बंद कर यार। ए, राजा, मेरे पीछे से भूत पास हुआ यार। पीछे से मैं गया था। अच्छा, मैं जानता था यार, वैसे भूत होता तो सामने आता ना। वैसे एक आइडिया है यार, घर के सारे सीसीटीवी कैमरा निकाल कर 5D कैमरा लगाएंगे तो एक अच्छी फिल्म बन सकती है, क्या कहता है? टाइटल क्या रखेंगे? वो है या नहीं? क्या है ये? अबे भूत यार। हीरो तुझे बना देते हैं। मैं नहीं, अमिताभ बच्चन फिट है। उस बेचारे ने क्या पाप किया है? हा? भूत ना जैसे हिट फिल्म का एक्सपीरियंस है उनके पास। बस भी कर यार। ये सब किसकी आवाज है? मैं भी सुन रहा हूँ, साउंड कहाँ से आ रहा है ये पता लगा। अबे भूत भूत कह रहा था ना, देख अब पूरी भूत की पलटन आ गई यार। अरे भगवान, अब कहाँ जाएंगे यार? अरे मुझे पकड़ लो, अरे मेरे साथ रहो। अरे क्या कर रहे हो? चलो साथ चलो। हाँ अरे रुकना, मुझे छोड़ के मत जा। क्या हुआ यार? ये लो, मुझे लगा था हॉस्टल में असली वाली चुड़ैले हैं, यहाँ तो नकली चुड़ैले हैं, मतलब लड़कियां हैं। ये क्या, बोतल तो हमेशा भरा ही रहता है ना। अच्छा भरी हुई बोतल यहाँ रखी है। इतनी रात को कौन पढ़ रहा है?
नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नंदिनी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? सुनो ना, मैं नंदिनी नहीं, रुमिया हूँ। नंदिनी इस वक्त हॉल में है, चलो चलते हैं। अरे बाप रे, लाइट चली गई। नंदिनी यहां भी नहीं है, तो कहां जा सकती है? उसका फोन तो यहीं पे है। नंदिनी, मुझे माफ कर दो यार। छी छी, दोस्ती में माफी नहीं मांगते यार। दोस्ती का मतलब सुख में ही साथ रहना नहीं है, दुख में भी साथ रहना है। मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त नहीं बन पाई। ए, दोस्ती का मतलब साथ रहना ही नहीं है, याद रखना भी है। मुझे कोई दुख नहीं है, डर लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा इसके लिए नहीं, बल्कि ये सोचकर कि यहाँ क्या हो रहा है मैं जान पाऊंगी या नहीं। अनुषा, जल्दी नीचे आओ। क्या हुआ मैडम, कहाँ जा रहे हैं सब? देखो राजा, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। यहाँ रहने का मतलब है अपनी जान देना, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तुम्हारी तरह हिम्मत दिखाकर हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। मैडम, इंसान की जिंदगी में दो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, पहला जिस दिन उसका जन्म होता है और दूसरा वो क्यों पैदा हुआ है ये जानने वाला दिन। मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ मुझे फुल क्लैरिटी है। Enter the dragon. अरे अरे रमेश, सुरेश, राजा और नंदिनी, प्लीज आओ। कम ऑन गाइस, कम ऑन मैन, कम ऑन। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहा है? हे, अब तक तेरे दिमाग में और तेरे कैमरा में नहीं आने वाली ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इससे पता चल जाएगी। यू वांट टू सी? कम ऑन, लेट अस स्टार्ट। ये रख दिया, ये भी हो गया, ये एक, ये दो और तीन चार। हाँ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई डरेगा नहीं। हाँ, मैं हूं ना। कैसा लगा? क्या है ये, तुम इस उम्र में एबीसीडी सीख रहे हो क्या? तुम्हें कैरम बोर्ड और चेस बोर्ड के अलावा और कोई बोर्ड पता नहीं है क्या? दिस इज कॉल्ड ओजा बोर्ड। ये ओजा बोर्ड क्या होता है? बताता हूँ, भूतों से सीधा बात करने वाला एक टेलीफोन बूथ है ये। You silly guys! हमेशा हमारा भूतों से डरना और उनका हमें डराना होना चाहिए, ये एक तरह का प्यार है, और उन्हें प्यार ना मिले तो वो भटकते रहेंगे। उनका प्यार कैसा होता है पता है? एकदम चिपकू टाइप। या दे वॉन्ट लव, दे वॉन्ट लव यार। और भूतों के बारे में सोचे तो असल में उन्हें क्या चाहिए होता है?
वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कभी किसी ने उनके बारे में सोचा? मरने से पहले वो भी तो इंसान थे, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए ना यार। अच्छा तो तुम कैसे बात करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के? बस कर यार तेरी ये तानेबाजी, बात मत बढ़ा। अब सुन। क्यों बे, कहीं तू खुद को राक्षस मूवी का सूर्या तो नहीं समझ रहा है ना? नहीं, उससे भी भारी। बकवास बंद कर, अब तू क्या करने वाला है ये बता। हाँ, अब टेबल के चारों ओर बैठकर स्ट्राइकर के ऊपर हाथ रखकर हमें जिस आत्मा के साथ कनेक्ट होना है उससे कनेक्ट होकर। हाँ, कनेक्ट करने से आ जाएगी क्या? नहीं, नो फिजिकल अपीयरेंस, ओनली साउंड, हमें सिर्फ उनकी आवाज सुनाई देगी। बताया था ना टेलीफोन बूथ है। अच्छा तो बताओ किसे कौन सी आत्मा से बात करनी है? सिल्कस्मिता। देखा, सिर्फ लॉलीपॉप के लिए मुंह खोलने वाले ये नादान बच्चे सिल्कस्मिता को बुलाना चाहते हैं। ए, सिल्कस्मिता कोई भूत नहीं है यार, ये सिर्फ भूतों के लिए है। उसे देखना है तो यूट्यूब में देख। तो फिर तू किसे बुलाना चाहता है? और किसे, हमारी प्यारी रूबीना जी को और ललिता जी को। अच्छा तो फिर जल्दी से बुलाओ। ए, यू आर सो एक्साइटिंग यार। आई नो सी ये। अगर हमसे गलती हो गई रूबीना जी और ललिता जी को कनेक्ट होने के बाद, अगर हम उन दोनों का कंट्रोल नहीं कर पाए ना तो ये कुल करेंगी। हाँ। अच्छा अगर चंद्रमुखी आ गई तो? हमारे पास ये है ना, लगा। एनी जॉब्स? ठीक है, जो भी हो जल्दी करो, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है? मैं यहाँ पर खाना नहीं बना रहा हूँ जो जल्दी कर रही हो, भूतों को कॉल कर रहा हूँ मैं। ए, इंटरवल खत्म हो चुका है, इसके लिए भी नहीं जा सकते हो, लगेगी तो यही कर लेना। लेट्स प्ले द गेम, लेट्स प्ले द गेम। यहाँ बोलो ना, गला फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ मैं। छे, समझ गया, मेरा कम्युनिकेशन कनेक्ट होगा ना तभी तुम लोग कनेक्ट होगे। ओके रूबीना जी, ललिता जी, रूबीना जी सुनिए, हेलो, आइए प्लीज। अबे तू आत्मा को बुला रहा है या फिर भीख मांग रहा है? वो रॉन्ग कनेक्शन हुआ होगा यार, अब बात करेंगे देखना। रूबीना जी, ललिता जी, आप आ बोलिए, हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। आप ओ कहेंगी तो हम फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे, आप ओके कहेंगी हम ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे, ओवरऑल सारी परेशानी यही सुलझा देंगे। आ जाइए, तुम लोग चाहे कुछ भी करो, मेरी एग्जाम्स है, मुझे पढ़ना है। ए, ए, नंदनी। अबे बेवकूफ, ये क्या बोल रहा है तू? डॉक्यूमेंट्री बोलकर इस भूतिया बंगले में तू लेकर आया, अब जब तक वो भूत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो यहीं बैठेगा। चल बैठ। ये लास्ट चांस है, अगर नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, अब बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, गाना गाऊंगा। ललिता रूबीना मैडम जी, जल्दी आ जाइए जी। दूसरा गाना गाता हूँ। रूबीना रूबीना ओ, गाना कुछ सही नहीं लग रहा है ना? अब डरना मत था, ये झिमझिम क्या हो रहा है, कहीं सच में तो नहीं आ रही है? मैंने तो सिर्फ बात करने के लिए कहा था, यहाँ पर हाजिरी देने क्यों आ रही है? ए भगवान, बाबा। हाँ, क्या हुआ तुझे? सिम्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं यार। मतलब अब भूत आ जाएगा ना? आ जाएगा, अरे ऐसे कैसे आ सकता है यार, मैंने सिर्फ बात करने के लिए कहा था। मुझे डरा मत, हाँ। देखा ना, भूत नहीं आया, दे वॉट लव, चली गई वो, आज के लिए इतना बस है। अब खिड़कियों से हवा आएगी ना? हवा क्यों आएगी बे? उस हवा से ये सब हिलने लगेगा। बाप रे, बहुत डर लग रहा है मुझे, कहीं आ तो नहीं गई सच में?
भगवान बचा ले मुझे। अबे वो गिरी, हवा तो बंद हो गई यार। अच्छा बोला था ना, नो फिजिकल अपीयरेंस। हाँ अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। वैसे भूत के आने से पहले लाइट भी जाती है क्या? तेरी जुबान काली है क्या? तू जैसा कह रहा है वैसे ही हो रहा है। लाइट के जाने के बाद भूत आ जाता है ना? क्या हुआ, तेरी हालत क्यों खराब हो रही है? भूत तेरे पीछे ही बैठा है यार। क्या बोल रहा है यार? तेरे बगल में ही है। भूत मेरे बगल में? कहाँ है? सच में यार मैंने देखा उसे। बाबा, रुबीना जी, ललिता जी, दोनों ही आ गए यार। कहाँ है यार, कोई भी तो नहीं है। रमेश के बाजू में देख, दावत के लिए बैठे हैं। क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है। मेरी बात मान यार, मैंने सच में देखा, दोनों थी भयानक। हे, इस बार आए तो बताना, तुरंत सेल्फी ले लेंगे। अबे मजाक मत कर यार। वो फिर आ गई क्या? अब तो दिखाई नहीं दे रही है, लगता है टाइमिंग खत्म हो गया है। बाय रुबीना जी, बाय ललिता जी। मैंने कहा था ना तुम्हें, दे वॉन्ट लव, बस जस्ट विजिट के लिए आए थे। ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे भाई? तेरा प्यार पूरी फैमिली को चाहिए यार। फैमिली को किस लिए? नंदनी, नंदनी, मेरी बात सुनो। रुबीना रुक जाओ, अब तुम इसे क्यों मारना चाहती हो रुबीना? क्योंकि मुझे जीने का अधिकार नहीं है। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा किसने कहा? मुझे कोई क्यों बताएगा, मैं जानती हूँ। वैसे भी ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? क्योंकि इसलिए तुम्हारे मरने की वजह कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ रुबीना, मैं तुम्हारा सलीम। जो सब कह रहे हैं वो गलत है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तो फिर इतने दिनों तुम कहाँ थे? अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले मुझे नौकरी ढूंढनी थी और वही खोजने में गया था। तुम्हें बिना बताए मैं चला गया, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम इतनी बड़ी सजा दोगी? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे सलीम की शादी को भी
तीन महीने हो चुके हैं। नहीं, जरूर तुमसे किसी ने झूठ बोला है। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जो तुम्हारी बातें मान लूं? तो फिर तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई है? ये सारी बातें मुझे रुबीना। तो फिर क्या तुम ही रुबीना हो? तो फिर इतने साल मुझे छोड़कर आज क्यों आए हो? तुम्हें अपने हाथों से मारने के लिए। अंदर क्या हुआ है सर? आप कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? मौत कैसे हुई आप कुछ बता सकते हैं क्या? मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे सभी पत्रकार मित्रों, मेरे बुलाने पर आप लोग आए उसके लिए थैंक्स। आप लोगों को मैंने यहां पर इसलिए बुलाया कि इतने दिनों से सबको डराने वाले राजा हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल के भूत को कल हमने पकड़ लिया है। देखो हाँ? चलो। कल रात को हुई कुछ अनोखी दुर्घटना में एक युवक ने और एक नंदिनी नाम की लड़की ने अपने प्राण गंवा दिए, हमें ऐसी खबर मिली है, तो इसके बारे में हमें बता सकते हो? श्योर। आप लोगों के मुताबिक कल रात को मरने वाली जोड़ी ये है। क्या हुआ डायना जी, आप तो गांव जाने वाली थी ना, गई नहीं क्या? ओह, आपके पति दास जी ने मना किया ना? हाँ? आप घबराइए मत, उन्हें भी कांस्टेबल लेके आ ही रहे होंगे। क्या हो रहा है सब? आप सब लोग मिलकर हमारे साथ खेल खेल रहे हो क्या? असल में यहाँ भूत है या नहीं? राजा, जरा इन लोगों को भूत से मिलवा दो। मेरे साथ आइए। आगे पकड़ ले उसे, तू चाहे तो उसके साथ सेल्फी भी ले सकता है। क्या हुआ, कोई भी नहीं जाएगा? अरे जाइए ना सर। जाने के लिए डर लग रहा है सर। सच में भूत है ही नहीं, सिर्फ डर है। वैसे तो ये डर नाम का शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका इस्तेमाल व्हाइट कॉलर पॉलिटिकल लोगों ने किया है। उनकी बनाई हुई फैब्रिकेटेड हॉरर स्टोरी इस राजा हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल में होने वाले स्टिमुलेटेड सुसाइड का असली कारण है। असल में क्या हुआ है हमें जरा विस्तार से बताइए। मेरे साथ आइए, बताता हूँ। पहले से ही इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर यकीन ना करने वाला मैं, जानबूझकर यकीन करने का नाटक करके मैं अपने दोस्तों के साथ इस हॉस्टल में आया। इस पूरे हॉस्टल को इन्वेस्टिगेट करते समय मुझे नंदिनी के बारे में कई सारे राज के बारे में पता चला। नंदिनी की एक आदत थी, वो हर चीज गहराई से जानना चाहती थी। नंदिनी हर रोज रात के 2:30 बजे तक अपने सब्जेक्ट की स्टडी किया करती थी और उसे उस सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग ऑडियो बुक हेडफोन पर सुन के सो जाने की आदत थी।
और इस तरह सोने वाली नंदिनी कब कहां कैसे सो जाए उसे खुद भी नहीं पता होता था। इसलिए मैं जब नंदिनी के बारे में जानने के लिए उसके कॉलेज गया था तो उसके पर्सनल लॉकर में रुबीना की डायरी मिली, और फिर उसके कुछ ही दिन पहले हॉस्टल में आत्महत्या करने वाली रुबीना के बारे में नंदिनी सब कुछ जानना चाहती थी, उसके बारे में मुझे पता चला। जब मैं रुबीना की डायरी पढ़ रहा था तो मुझे एक सच्चाई पता चली कि वो डायरी रुबीना ने नहीं लिखी थी। वो इसलिए, रुबीना की मौत 14 फरवरी 2016 को हुई थी, लेकिन उस डायरी का आखिरी पन्ना लिखा गया था 14 मार्च 2016 को। मतलब वो डायरी और उसमें लिखी हुई सारी बातें सिर्फ एक कल्पना थी। तब से मेरा शक यकीन में बदल गया। जब मैं कॉलेज से हॉस्टल लौट रहा था तो उस वक्त मैंने देखा कि हॉस्टल में लाइट नहीं है और जनरेटर भी नहीं है, तो मुझे समझ आ गया। लेकिन उस दिन रात को जब नंदिनी खो गई थी तो मैंने देखा कि उसके फोन में वाईफाई कहां से कनेक्ट है, और मैं हैरान रह गया। मैं बस ये सोच रहा था कि पूरे हॉस्टल में लाइट नहीं है लेकिन उसका फोन वाईफाई से कैसे कनेक्ट है। और उसी दिन रात को नंदिनी रुबीना की तरह नमाज पढ़ रही थी, और यह देखकर मेरा शक और भी गहरा हो गया, क्योंकि पवित्र अल्लाह के नाम से भूत प्रेत और आत्माएं भाग जाती हैं, तो फिर यह नमाज कैसे पढ़ सकती है। मतलब मुझे ये समझ में आ गया था कि नंदिनी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और उसके अगले ही दिन गांव चले जाऊंगी ऐसा कहने वाली डायना को मैंने चोरी छुपे दास से कुछ बात करते हुए देखा। मुझे ये लगा कि मैंने दास को कहीं ना कहीं तो देखा है। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन होम मिनिस्टर की मीटिंग में मैं उसी से टकराया था। फिर वापस से मैंने उसे नंदिनी के कॉलेज में देखा, तब मुझे समझ आया कि डायना का, दास का और नंदिनी की इस हालत का कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। फिर उस दिन रात को मैंने नंदिनी के मोबाइल पे कुछ हैप्नोटिक वर्ड सुने, उससे वो सुसाइड करने वाली है ये मुझे समझ में आ गया था, और खुद को रुबीना मान बैठी नंदिनी को रुबीना की डायरी की सारी बातों पर यकीन हो गया था, और वो भी उसी की तरह सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी को ठीक करने के लिए मैं उसको उस दिन रात को प्रोफेसर त्यागी के पास ले गया। मिस्टर राजा, नंदिनी को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है। बाइपोलर डिसऑर्डर? यस, मतलब तुम्हारी बातों के मुताबिक ये इनिशियल स्टेज का बाइपोलर डिसऑर्डर है। अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तब, या किसी इंसान या किसी चीज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तब, उस विषय के बारे में या उस इंसान से संबंधित दृश्य हमें दिखाई देने लगते हैं। हॉस्टल में रुबीना के बारे में बार बार बात करना, रुबीना की चीजों को बार बार दिखाना, या फिर उससे संबंधित बातों को जबरदस्ती नंदिनी के ब्रेन में डाला गया है। रुबीना के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाली नंदिनी को कई अनहोनी घटनाओं का सामना करने की वजह से सच में रुबीना ही उसे दिखाई दे रही है, ऐसा वो समझने लगी है। रुबीना को इमेजिन करने लगी है। इससे नंदिनी के ब्रेन में उसे पता चले बिना ही रुबीना नाम की स्प्लिट पर्सनालिटी डेवलप हुई। इस तरह मेंटली वीक रहने वाली नंदिनी को ऑडियो बुक सुनकर सोने की आदत को सहारा बनाकर गहरी नींद में रहती है। इस सब के दौरान उसके सबकॉन्शियस ब्रेन ने हिप्नोटाइज करना शुरू किया है। इस तरह उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी को ट्रिगर करते हुए वो रुबीना में बदल कर सुसाइड करने की सलाह देना शुरू कर दिया है। उसे कंट्रोल में करने के लिए इमीडिएट अपडेट देने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल किया है। सिंपल भाषा में कहूं तो इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर बाय सोल हिप्नोटिज्म। इसी तरह इस घर में मर चुके रुबीना को भी ललिता नाम की काल्पनिक लड़की ने सुसाइड करने को प्रेरित किया। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हमारे कांस्टेबल की भी बड़ी बेरहमी से हत्या हो गई। अब रुबीना के नाम से नंदिनी को मारना चाहते थे। इन सब के लिए हॉस्टल में रहकर मदद करने वाली हॉस्टल की वार्डन डायना ने
पैसों की लालच में आकर साइंस का उपयोग करके असिस्टेंट प्रोफेसर देवदास का साथ दिया। देख क्या रहे हो, ले चलो इनको। इनके साथ और कौन कौन है सर? होम मिनिस्टर ज्योति प्रसाद वर्मा। जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपके पास सबूत है क्या? इस राजा हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल के पीछे वाली 2000 एकड़ जमीन को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हड़प कर उस जमीन पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे थे। ऑलरेडी अपनी सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके जितनी ज्यादा हो सके उतनी जमीन हड़प चुकी है हमारे प्रिय होम मिनिस्टर ज्योति प्रसाद वर्मा जी, और बाकी की बची हुई इस हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल से संबंधित 500 एकड़ की जमीन और ये पूरी जगह ये सब लोग मिलकर हड़पना चाहते थे, लेकिन ये ट्रस्ट सरकार के अधीन होने की वजह से कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए इस ट्रस्ट के 4 लोगों को उस 2000 एकड़ जमीन के लिए रखा गया। कहीं भगवान का बहाना बनाकर वहां मंदिर बनवा देते हैं, उसी तरह भूत के नाम से उस जमीन को ये बदनाम कर रहे थे, जिससे सरकार भी उस जमीन को कम से कम में नीलाम करती। इस तरह इस जगह को पाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया ज्योति प्रसाद वर्मा ने। क्या बात है राजा? हाँ सर। कॉन्ग्रेट्स, नंदिनी को बचाने के साथ साथ तुमने एक कॉम्प्लिकेटेड केस को भी सॉल्व किया और साथ ही मेरे भाई को बचाया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स वंस अगेन। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यार तूने तो कमाल कर दिया, दे ताली। हाँ, फोटो ले रहे हो क्या? ओ सेल्फी। थैंक यू। ए नंदिनी, अरे नंदिनी, 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 रुबीना। यार उस नाम से क्यों बुला रहा है यार? फिर से उसकी आत्मा इसमें घुस गई तो यार क्या होगा? क्या है? अरे क्या ये है? नंदिनी है। क्या है? क्या है बोलो। बाबा मुझे एक डाउट है। डाउट है बता दो, क्लियर करके आना। ए नंदिनी। ए बाबा तेरी तो वो हमें डराने वाले वो 4 भूत कौन थे? ओ वो असली बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं, वो सब जूनियर आर्टिस्ट थे। जूनियर आर्टिस्ट थे? यार वो जूनियर आर्टिस्ट थे, उसके बाल देखते ही समझ गया था वो विग है। अच्छी एक्टिंग करवाई उनसे, वो मिलेंगे तो मुझे बताना, हॉरर फिल्म में रोल दूंगा। चलो रे। हेलो सर, मैं जूनियर आर्टिस्ट एजेंट सूरी बाबा बोल रहा हूं। हां सूरी बाबा बोलिए। सॉरी सर। सॉरी किस लिए? सर आपने 4 आर्टिस्ट मांगे थे ना,